वोम ग्रीटिंग फ्रेंड्स आई एम सी एस के के अग्रवाल एंड के के लॉ प्रेजेंट्स गाइड टू जनरल क्लॉज एक्ट एटीन नाइनटी सेवन ए वेरी फाइन बुक विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अमेजन फ्रॉम फॉर फ्री तो दिस इज ए किंडल एडिशन बुक और आप इसको बहुत आराम से फ्री में अमेजन से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे आपको जनरल क्लॉज एक्ट बहुत ही शॉर्ट में और अच्छी तरह से आपको समझा सकें और इस किताब के बारे में भी कुछ बता सके ताकि आप इसे पढ़ें इसमें करीब सेवन चैप्टर्स हैं और बेयर एक्ट की लैंग्वेज को यूज करके और उसके नीचे कमेंट्स लिख के हमने ये किताब बनाई है तो ये अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस है प्रीमरी जनरल डेफिनेशन जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पर इंटरप्रिटेशन होता है और जिस तरह से बाहर के कंट्री में इंटरप्रिटेशन एक्ट के नाम पे किताब है हमारे कंट्री में उसका नाम जनरल क्लॉज़ेस एक्ट है इंटरप्रिटेशन के और भी बहुत सारे टूल्स हैं उसको हमने एक्ट के रूप में नहीं बनाया हुआ है हमने सिर्फ कुछ बातें को इस जनरल क्लॉज एक्ट में लिखे हुए हैं जैसे कुछ डिफाइन कर दिया है कोई भी एक्ट आएगा उसका इफेक्टिव डेट क्या होगा टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस अगर कोई एक्ट रिपील हो गया है तो वो रिपील का इफेक्टिव डेट क्या होगा वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है फिर पावर्स एंड फंक्शनरीज में कि अगर पावर अपॉइंट करने का है तो डिसमिस करने का भी है फिर नोटिफिकेशन uh, के बारे में जिसको हम लोग स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं अगर वो इशू करने का है तो उसके अमेंड करने का भी पावर ऑटोमेटिक है उसको साफ शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है तो ये सारे हैं अब ये जनरल क्लॉज एक्ट को ठीक से समझने के लिए हमने दो पेजेस एक डिज़ाइन किया है जहाँ पर हमने पूरा जनरल क्लॉज एक्ट दो पेजेस में डालने की कोशिश की है अब जरा समझते हैं इसका मतलब क्या होता है अब देखिए आपको भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट्स बनाती रहती है स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट्स बनाती रहती है ये जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के ही बनाती है और कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी एक्ट बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर फॉलो लिखा हुआ है उसी प्रोसीजर को फॉलो करके वो एक्ट बनाना होता है और ये भी ध्यान में रखना होता है कि दीज एक्ट्स नॉट वॉलेट द फंडामेंटल राइट्स अगर कोई भी एक्ट सेंटर या स्टेट द्वारा बनाया गया है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है या फिर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है तो वो एक्ट अल्ट्रावायस हो जाता है और याद रखिएगा हमारा जो इंडिया है सोवरन रिपब्लिक इसमें जो सुप्रीम है ऑफ़ इंडिया उसके नीचे पार्लियामेंट या है तो सबसे ऊपर ऊपर ऑफ़ इंडिया उसके कोई एक्ट नहीं है, है याद रखिएगा एक एक ब्रिटिशर्स ने बनाया दैट वाज जनरल एक्ट और ये जनरल एक्ट पहली बार इफेक्टिव डेट एट जनवरी 1868, 1868 दूसरी बार एटीन एटी से और तीसरी बार 1897 में 11 मार्च 1897 इसके बाद कोई जनरल क्लॉज एक्ट आया नहीं है सौ साल से भी ज्यादा हो गया नया जनरल क्लॉज एक्ट नहीं आया है अब ये एक्ट बनाया इसलिए गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत सारे एक्ट्स बना रहे थे जैसे एविडेंस एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेवनटी टू इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और तरह तरह के हमने नाम लिखे हुए भी हैं यहाँ पर और ये जब एक्ट बना रहे थे तो इसमें इस एक्ट्स में बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन थे जो कॉमन थे मान लीजिए इम प्रॉपर्टी का डेफिनेशन सभी एक्ट में आ रहा है तो उन्होंने क्या सोचा कि इन एक्ट के लैंग्वेज को छोटा करने के लिए हम लोग ये डेफिनेशन जो कॉमन डेफिनेशन है उसको जनरल क्लॉज एक्ट में ही डाल देते हैं तो उन्होंने जनरल क्लॉज एक्ट में डाल दिया ये सोच के कि इनके एक्ट के ये एक्ट के लैंग्वेज छोटा हो जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव यह था कि मान लीजिए एविडेंस एक्ट एटीन आया तो ये पहली बार तो आया नहीं होगा इससे पहले भी था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया ये पहली बार तो आया नहीं होगा इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसी तरह से जितने भी एक्ट थे हर एक एक्ट दूसरे एक्ट से इम्प्रूवमेंट था तो जब पहला वाला एक्ट रिपील होता था तो उसका इफेक्टिव डेट क्या होगा जो नया एक्ट आया है उसका इफेक्टिव डेट क्या होगा तो ये सब बातें वो हर एक एक्ट में लिखने से अच्छा उन्होंने क्या किया जनरल क्लॉज एक्ट में लिख दिया तो इसका जनरल क्लॉज एक्ट का जो पहला ऑब्जेक्टिव था शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट और दूसरा ऑब्जेक्टिव था इंटरप्रिटेशन एज टू द डेफिनेशन एप्लीकेबिलिटी एंड रिपील जो अभी हमने बताया जो नया एक्ट आया उसका इफेक्टिव डेट क्या होगा जो पुराना एक्ट जो रिपील हुआ उसका स्टेटस क्या होगा अब जो पुराना एक्ट मान लीजिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पिनल कोड अगर रिपील होकर नया इंडियन पिनल कोड आता है तो ऑफेंसेस डिफाइंड थे अब अगर वो ऑफेंस इंडियन पिनल कोड पुराना अगर रिपील होता है तो उसमें उस इंडियन कोड के तहत बहुत सारे केसेस चल रहे होंगे या कंप्लीट हो चुके होंगे और जिसके सजा लोग काट भी रहे होंगे तो क्या पुराना एक्ट रिपील होने से उसकी सजा में लोग जो काट रहे हैं क्या वो बाहर आ जाएंगे तो ये कहता है, नहीं जो हुआ सो हुआ तो ये सारी बातें जनरल क्लॉज एक्ट में लिखी हुई भी, भी है अब एक बात अब सोचिए जब आप सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है ही पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट को भी ध्यान में रख के ये सेंट्रल एक्ट बनाया जाता है तो सेंट्रल एक्ट बनाने के लिए दो एक्ट को ध्यान में रखा जाता है एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरा जनरल क्लॉज एक्ट लेकिन मैं एक बात बता दू ये जनरल क्लॉज एक्ट इतना पुराना हो चुका इट हैज हैजिव इट्स यूटिलिटी अब इसको यूज करके बहुत सारा चीजें इग्नोर ही कर देते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है उसके बावजूद इन सब एक्ट में वो डेफिनेशन दोबारा लिखे जाते हैं क्योंकि उसका कंटेक्स्ट अलग होता है लेकिन फिर भी जनरल क्लॉज एक्ट में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज भी यूज होती है जैसे रिपील का इफेक्ट क्या होगा नया एक्ट आया उसका इफेक्टिव डेट क्या होगा ये सब बातें आज भी यूजफुल है तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले कानून कैसे बनता था ये भी जानना बहुत जरूरी है अब ये तीनों जनरल क्लॉज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आने से पहले ही बने हैं लेकिन कैसे बने हैं आपको भी पता है कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में कानून बनाते थे और वो कानून बनाने का जो तरीका था दैट वाज चार्टर एक्ट 1853, फिफ्टी यहाँ पर चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया था कि आप कानून बनाइए हमारे बिहार पे उसके बाद 1857 में म्यूटिनी हुआ आ, मंगल पांडे जो फिल्म आई थी आपने देखी भी होगी उस म्यूटनी के बाद ईस्ट ब्रिटिशर्स को यानी कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट को ये लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और अब ब्रिटिश ब्रिटेन पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया में हो जाए इसीलिए ब्रिटेन में

इंडिया के लिए तो वो ऑब्वियसली वो लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऐसा ही कानून उन्होंने अफ्रीका के लिए पास किया होगा तो उन्होंने लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एक्ट 1858 या फिर कोई और कंट्री के लिए पास किया होगा तो गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री एक्ट एटीन या जो भी नाम रहा होगा तो अब गवर्नमेंट वॉज ब्रिटेन वॉज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लिखा हुआ कि यहाँ पर इंडिया में गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे या वॉइस रॉय अपॉइंट करेंगे वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल वो इंडिया ब्रिटेन के किसी मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा फिर या उसके काउंसिल को रिपोर्ट करेगा इस तरह से इसमें कुछ बातें लिखी हुई थी

इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया इसके बाद इन सब को मर्ज करके जो भी अच्छी बातें हैं उनको रह रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना उसके बाद जो आखिरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना अब जितने भी एक्ट बने होंगे मान लीजिए जनरल क्लॉज एक्ट 1868 बना तो वो कैसे बना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुए और 1868 है, यानी कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट को ध्यान में रखते हुए बना एविडेंस एक्ट 1872 बना वो किस कानून को ध्यान में रखते हुए बना होगा 1858 के कानून और उसके साथ इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन सिक्सटी वन वाला उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ट्रस्ट एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये सब कानून बने और इनफैक्ट जनरल क्लॉज एक्ट एन सिक्स एट भी बना अब ये समझिए आप जब निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन सब कानून में कोई ना कोई शब्द रहे होंगे जिसको डिफाइन करना होगा वो डिफिनेशन अगर ऑलरेडी जनरल क्लॉज एक्ट 1868 में दिया हुआ है तो उसको दोबारा से इन एक्ट में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट दूसरी बात एविडेंस एक्ट एटीन पहली बार तो नहीं आया होगा इससे पहले भी रहा होगा तो पहली जो इससे पहले एक्ट रहा होगा उसको रिपील करके ये नया एक्ट बनाया गया हो तो जो रिपील एक्ट जो किया गया है उसका स्टेटस क्या होगा उस रिपील एक्ट के बेसिस पे अगर कोई एक्शन लिया गया है तो वो क्या स्टे रहेगा या हट जाएगा तो ये सब बातें जनरल क्लॉज एक्ट में लिखी हुई है उसी तरह से जनरल क्लॉज एक्ट 1887 इसको रिप्लेस करके एक नया आया जनरल क्लॉज एक्ट को रिप्लेस रिपील किया गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा तो रिपील जनरल क्लॉज एक्ट में ही लिखा होगा इस इस 1887 के दौरान एक और कानून बना द गार्जियन एंड वार्जन एक्ट द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 अब इस कानून में भी कोई डेफिनेशन रहे होंगे वो इस और जब ये कानून बना होगा तो किसको ध्यान में रख के बना होगा 1890 का कानून है तो ऑबवियसली इसमें से कोई एक कानून देखा गया होगा और जनरल क्लॉज एक्ट 1887 देखा गया होगा उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है उसी तरह से जनरल क्लॉज एक्ट 1897 बना इस कानून अब जब ये ये वाला जनरल क्लॉज एक्ट आ गया तो इतने सारे कानून भी बने और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फोर्टी सेवन एंड मिनिमम वेजेज एक्ट नाइनटीन एट ये इंडिपेंडेंस के बाद और लागू होने से पहले बना। उसके बाद तो ये सारा कुछ सिटीजनशिप एक्ट नाइनलिज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीनिज कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही बना था यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रोसीजर दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग बना लेकिन सवाल ये उठता है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और मिनिमम वेज मिनिममेजेज एक्ट 1948 ये तो इंडिया

टेंपोररी रह के भी कानून बना रही थी लेकिन ये कानून बनाते वक्त उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं तो कौन सा एक्ट यूज करती थी दैट दे वर यूजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो जब आप जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ेंगे तो एक वर्ड डोमिनियन भी आएगा तो वो डोमिनियन के दौरान भी अगर कोई कानून बना है तो वो भी आपको देना देखना पड़ेगा वो करीब-करीब 25 कानून थे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जनरल क्लॉज एक्ट को समझना है तो इस जनरल क्लॉज एक्ट में अब ये बात समझ लीजिए कि ये जब जनरल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आया होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया होगा इसमें जो कुछ शब्द रहे होंगे वो इसके अकॉर्डिंग देखना है आपको गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 नाइनटी आया है, तो उसमें जो शब्द डिफाइन किए होंगे वो इसके अकॉर्डिंग देखना है और ऐसा नहीं है कि आ, सारे डेफिनेशन 1868 में डाल दिए होंगे कुछ डेफिनेशन 1868 में डाले फिर कुछ डेफिनेशन 1887 में भी ऐड किए होंगे और बहुत सारे डेफिनेशन 1897 में भी ऐड किए होंगे तो जो डेफिनेशंस 1887 या 1897 में ऐड किए गए हैं वो डेफिनेशन को आप ये नहीं कह सकते एविडेंस एक्ट 1872 के लिए आप 1897 में जो डेफिनेशन है उसको देखिए अगर उसको देखना देखेंगे तो एविडेंस एक्ट का शायद इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए तो इसीलिए इस जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में लिख दिया कि जो डेफिनेशन इस 1868 में था वही डेफिनेशन 3 जनवरी 1868 से एप्लीकेबल होगा जो यहां लिखा हुआ भी है तो 3 जनवरी 1868 को यानी कि जो पहला जनरल क्लॉज एक्ट में थे 18 डेफिनेशंस थे यानी कि जितने भी सेंट्रल एक्ट तीन जनवरी या 1868 3 जनवरी 1868 या उसके बाद बने हैं उसमें ये सारे डेफिनेशन लागू होंगे

उसी तरह से कुछ और डेफिनेशन थर्टी वन डेफिनेशन और एड हुए 1887 1887 में जो 14 जनवरी से एप्लीकेबल हुआ तो ये 14 जनवरी 1887 से ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है उसके बाद 11 मार्च 1897 से ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है इस तरह से ये काम कर रहा है अब अगर कंक्लूड करें मान लीजिए मुझे अबेट का डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में नहीं मिल रहा और अबेट का डेफिनेशन एप्लीकेबल हुआ इलेवंथ मार्च 1897 से और एविडेंस एक्ट तो 1872 का है तो मुझे अबेट का डेफिनेशन ऑब्वियसली अबेट का डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में अगर अबेट लिखा हुआ है उस उसका डेफिनेशन मुझे एविडेंस एक्ट में ही देखना होगा मुझे जनरल क्लॉज एक्ट हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट में जो अबेट का डेफिनेशन एप्लीकेबल हुआ है वो इलेवंथ मार्च 1897 से हुआ है और एविडेंस एक्ट तो पहले आ चुका है तो तो इस तरह से से ये 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 काम करेगा। का लोकल का ये पुराने में मार्च 1897 से अगर पहले कोई पास हुआ तो वहां नहीं होगा। अब ये जो कुछ से, वो सेंट्रल एक्ट कभी भी पास हुआ है वो हम इस जनरल क्लॉज एक्ट के डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं इन एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए या इसके तरह के दूसरे एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए उसी तरह से सेक्शन नाइन कमसमेंट एट टर्मिनेशन ऑफ टाइम कोई एक्ट अगर पास हुआ तो उसका डेट ऑफ कमसमेंट क्या होगा कंप्यूटेशन ऑफ टाइम तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर जाके दिखला देता हूँ लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ किसी भी सेक्शन थर्टीन सिक्सटीन और ट्वेंटी वन किसी भी एक्ट में अगर मेल यूज हुआ ही यूज हुआ तो इसका मतलब शी है फीमेल यूज हुआ है तो उसका मतलब शी यूज हुआ तो मतलब ही तो भी है तो एज पर द कंटेक्स्ट उसको हम लोग मेल को फीमेल फीमेल को मेल समझ सकते हैं जैसे आप इंडियन पिनल कोड पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर भी आएगा उसी तरह से सिंगुलर अगर लिखा हुआ है तो उसको प्लूरल मान सकते हैं प्लूरल लिखा हुआ है तो सिंगुलर मान सकता है एज पर द कंटेक्सट या एज पर द फैक्ट्स ऑफ ईच केस सेक्शन 16 में अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, अगर किसी एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हर एक एक्ट में होते हैं तो अगर अपॉइंटमेंट का है तो उसको सस्पेंशन और डिसमिशल का भी पावर है इवन इफ द एक्ट हैज नॉट स्पेशली मैंशन दैट

और हर एक सेक्शन के साथ हमने कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं जैसे प्रियम्बल है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट है इसमें हमने दो पहले बता दिए थे बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों बनाया गया किस लिए बनाया गया उसके बारे में है इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो हमारा डेफिनेशन है इतने सारे हमारे डेफिनेशन है जिसमें से कुछ डेफिनेशन हमने आपको शुरुआत में देख बताई थी कब कब से एप्लीकेबल है और इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने क्या किया कुछ ग्रुपिंग कर दिए जैसे पहला मैं ग्रुपिंग कर दी ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश पोजिशन प्रेजिडेंसी कॉलोनी मर्ज टेटरी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नर कलेक्टर ये एक साथ पढ़ेंगे इस तरह से हमने किया हुआ है तो ये ब्रिटिश इंडिया का डेफिनेशन ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या होता है तो मैं अब, हमने एक डायग्राम मैप नाइनटीन का दिया हुआ है ये जो अब ब्लू लाइन देख रहे हैं दैट इज बंगाल प्रेजिडेंसी यहीं पर गवर्नर जनरल बैठते थे और ये जो पिंक टेरिटरी आप देख रहे हैं दीज आर ऑल प्रोविंसेज जो ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में था और जो येलो टेरिटरी है वो ब्रिटेन के इनडायरेक्ट कंट्रोल में था यानी कि देवर प्रिंसली स्टेट्स और तीन प्रेजिडेंसी काम करती थी ये है बंगाल प्रेजिडेंसी ग्रीन वाला मद्रास प्रेजिडेंसी और रेड वाला बॉम्बे प्रेजिडेंसी और हर एक में ब्लू पिंक टेरिटरी एंड येलो टेरिटरी है इसका सिंपल मतलब यही है पिंक वाले में ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल था येलो टेरिटरी में इनडायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का वो राजा से वसूलते थे लगान और राजा फिर ज़मींदार से वसूल दिया या जमींदार के और राजा के बीच में और कोई अथॉरिटी बैठा दी और ज़मींदार किसानों से वसूलता था और कुछ जगह जहाँ पर वो गवर्नर नहीं बैठा पाते थे वहाँ कमिश्नर बैठा देते थे जैसे बलूचिस्तान ये सब में कमिश्नर है प्रिंसली स्टेट में राजा को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर बैठाया हुआ है तो ये इस तरह से काम कर रहा है तो ये डेफिनेशन हर एक डेफिनेशन के साथ कमेंट्स लिखा हुआ तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा और अमेज़न से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अब मैं सीधे आता हूं उस पर एप्लीकेबिलिटी पे जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का मतलब इंटरप्रिटेशन होता है और इसमें कमिंग इन टू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट्स एनेक्टमेंट्स का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर कमेंट में और यहाँ पर अगर सिंपल कोई भी एक्ट है जैसे ये जी एस टी अमेंडमेंट एक्ट है ये ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त टू थाउजेंड एटीन का मतलब इस डेट को प्रेजिडेंट ने साइन किया है और यहाँ लिखा हुआ भी होता है लेकिन ये नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुआ है ऑफिशियल गैजेट में गैजेट में वो तीस अगस्त को पब्लिश हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है अगस्त को इफेक्टिव डेट है या तीस अगस्त को इफेक्टिव डेट है है तो ये जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा हुआ इट इज अगस्त जिस दिन साइन करता है। और ये जनरल रूल नहीं है कि एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाए ये तो परंपरा चली आ रही है तो इसलिए पब्लिश हो रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिशियल गैजेट वाला नोटिफिकेशन जो आते हैं वो ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन पब्लिश होते हैं उस दिन इफेक्टिव होता है लेकिन एक्ट के साथ जिस दिन प्रेजिडेंट साइन करता है और कुछ बातें और भी हैं जैसे फाइनेंस एक्ट है और भी बहुत सारे एक्ट है जैसे ये फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन है इसको प्रेसिडेंट ने साइन किया अट्ठाइस मार्च दो हज़ार इक्कीस को लेकिन एक्ट में लिख दिया गया कि सेक्शन टू से लेकर एटी एट को एटी एट सेक्शन तक एक अप्रैल दो हज़ार इक्कीस से एप्लीकेबल होगा और बाकी जो सेक्शन है वन जीरो एट से वन ट्वेंटी थ्री ये जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट में उस दिन जो डेट होगा उस दिन से इफेक्टिव डेट होगा और जो बाकी सेक्शन है 89 से 107 ये ऑटोमेटिकली एफेक्टिव हो गए जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया था 28 मार्च 2021 को ये इस तरह से चल रहा है तो ये आप पढ़ सकते हैं उसके बाद इफेक्ट ऑफ रिपील है रिपील करने के एक्ट के बहुत सारे तरीके हैं इम्प्लाइड रिपील भी है ऑटोमेटिक रिपील भी है और कुछ एक्ट रिपील कभी नहीं हो सकते उसके बारे में भी लिखा हुआ है तो ये सब लिखा हुआ है तो आप पढ़ लीजिएगा फिर कमिशमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम इससे पहले मैं आपको बता दूं कोई भी एक्ट अगर 29 अगस्त को जैसे प्रेसिडेंट ने साइन किया है 29 अगस्त शाम को चार बजे साइन किया है और वो अरेस्ट कोई सुबह में ग्यारह बजे होता है तो वो इफेक्टिव है या नहीं बोलता बिल्कुल इफेक्टिव है क्योंकि उनतीस अगस्त को अगर साइन किया है तो उनतीस अगस्त जैसे ही शुरुआत होगी रात के बारह बजे के ठीक बाद वो उस डेट से इफेक्टिव होगा तो ये भी बात लिखी हुई है फिर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम ये सब लिखा हुआ है तो उसमें कोई खास बात नहीं है ये पावर्स एंड फंक्शन में आपको बता ही बताइ तो ये किताब को पढ़िए और एक लास्ट चीज ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है जनरल क्लॉज एक्ट को भी इंटरप्रेट करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा या नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा हुआ है तो इंटरप्रेट होगा वरना नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जनरल क्लॉज एक्ट मुझे भी इंटरप्रेट कर सकता है तो ये मत समझिएगा जनरल क्लॉज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम है ये पॉसिबल नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से सुप्रीम है तो उससे सुप्रीम कुछ भी नहीं है तो धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए थैंक यू